हाँ जी भाई, जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे अपनी क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो लगभग 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर अभी तक आप जो है अनअकैडमी पे क्लासेस देखना नहीं शुरू किए हैं तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है, वहां से आकर के मुझे फॉलो कर लीजिए। और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। स्टैंड अप क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा ताकि जब कभी भी क्लासेस शुरू होती है अनअकैडमी पे तो तुरंत मैं आपको जो है लाइव क्लासेस का लिंक दे देता हूँ ताकि आप लाइव क्लास में आकर के क्लासेस देख सको, ठीक है। तो फाइनली बहुत सारे कैंडिडेट जो है डेली आकर के क्लासेस देख रहे हैं। फिलहाल के आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस और साइंस की क्लास चल रही है, बहुत जल्द इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन क्लासेस को आइए अटेंड कीजिए अगर अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। आप देख सकते हो नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए जो है, साथ में एनडीए के लिए भी ये सारी क्लासेस हैं और बेहद महत्वपूर्ण क्लासेस लगाई जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हो अभी हाल ही में जो है SSR डबल ए और MR का फॉर्म भरा गया है, जिसका एग्जाम जो है ऑफलाइन होने वाला है। तो हम लोग जो है बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर के, कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकता है SSR डबल ए और MR का आपके एडमिट कार्ड के लिए। तो अगर सबसे पहले हम बात करेंगे MR को लेकर के, तो भाई साहब इस साल का जो कट ऑफ रहा है, ठीक है, ऑफलाइन का, वो रिकॉर्ड तोड़, मतलब ऐसा कट ऑफ कभी भी नहीं बना था जो है नेवी MR के लिए। मिनिमम मैं बताऊं आपको जो है 100% का रिजल्ट, ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो छोड़ दीजिए, मिनिमम 100% का रिजल्ट बना था। और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का 96% 97% का कट ऑफ बन रहा है, तो ये सोचने वाली बात होती है। लेकिन इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जितने भी कैंडिडेट ने जो है इस बार फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है, नेवी MR का, घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार कट ऑफ में थोड़ा सा आपको रियायत देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी जो जस्ट जो लॉकडाउन के बाद जो रिजल्ट आपके आए हुए हैं इस साल के, ठीक है, कोविड के वजह से, उसमें कहीं ना कहीं जो है परसेंटेज में कमी देखने को मिली है। तो पहले यदि हम बात कर लें कि किस हद तक जो है आपके स्टेट के जो है कट ऑफ रह सकते हैं, तो आप ये तो मान लीजिए कि जो थोड़े जहां से फॉर्म जिन राज्यों से ज्यादा आते हैं, ठीक है, जिन राज्यों से फॉर्म ज्यादा आते हैं या फिर जिनका 100% मार्कशीट बनता है, ठीक है, मार्क्स बनते हैं, उन राज्यों का एटलीस्ट 90+ तो रहेगा ही रहेगा नेवी MR की यदि हम बात कर लें, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा 90+, ठीक है, उससे नीचे उम्मीद मत करिएगा। और जो ऐसे छोटे मोटे राज्य जहां से कम फॉर्म आते हैं उनका कहीं ना कहीं जो है 90 से नीचे भी उनके एडमिट कार्ड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 90% से नीचे भी है तो आपका नेवी MR में जो है एडमिट कार्ड आ सकता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब राज्यों का आप 90 से नीचे सोचिएगा भी मत कि कहीं जो है एडमिट कार्ड आने के चांसेस हैं, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। लेकिन यदि जिस हिसाब से रिजल्ट बनाकर उस हिसाब से बात कर लें तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपको रियायत देखने को मिल सकती है, 90 से नीचे भी जो है कहीं ना कहीं बन सकता है। अब बात कर लेते हैं SSR डबल ए को लेकर के, ठीक है, कि SSR डबल ए का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो SSR डबल ए का पिछले बार से जो आपका जो ऑफलाइन हुआ था उससे कहीं ना कहीं इस बार और भी जो है रियायत देखने को मिली है, ठीक है। तो मतलब SSR डबल ए का ठीक है यार, ठीक है, जो SSR डबल ए का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें कट ऑफ कहीं ना कहीं जो है संतोषजनक थे, 88% 89% आपके जो है कट ऑफ जा रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का, तो इतना तो मतलब नॉर्मल है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं एक बार फिर से SSR डबल ए में भी जो है आपको कट ऑफ में कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर महाराष्ट्र जैसे राज्यों की बात कर लें तो अगर आप 80% तक लेकर के आते हो, 80% 80-85 तो मतलब आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, जहां से 100% रिजल्ट बनते हैं, उनकी उम्मीद यही है कि 85+ ही उनका जो है 80-85+ ही उनका जो है कट ऑफ रहने वाला है एडमिट कार्ड के लिए SSR डबल ए का भी। क्योंकि इस बार का भी जो कट ऑफ बना है ना, मैं आपको जो रिजल्ट बने हैं ना, वो काफी हद तक जो है संतोषजनक रिजल्ट बने हैं। तो घबराइए मत, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आइए हमसे अनअकैडमी पे जुड़िए, सारी क्लासेस देखिए। क्लासेस जो है बिल्कुल धड़ल्ले से चल रही है, सभी क्लासेस आपकी तैयारी के लिए, चाहे कोस्ट गार्ड के कैंडिडेट हो या फिर चाहे आपके जो है SSR डबल ए के या फिर एयरफोर्स के कैंडिडेट हो या फिर नेवी MR के, सभी के लिए जो है क्लासेस चल रही है। तो क्लासेस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक भी क्लास आपको जो है मिस नहीं करना है। फटाफट जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जुड़ जाइए, और साथ में जो है अनअकैडमी का भी लिंक मैंने दे दिया है, आप जाकर के फॉलो करके मुझे सारे क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार तैयारी और भी दमदार तरीके से किया जाए, कि कहीं भी जो है रियायत ना हो, कि ये गुंजाइश ना रह जाए कि मेरा नहीं हुआ, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए मैंने कट ऑफ आपको बता दिया, ठीक है, कि कहीं ना कहीं अगर NABMR की बात कर ले तो 90 प्लस ही रहने वाला है बड़े राज्यों का, छोटे मोटे राज्यों का 90 नहीं। लेकिन पिछली बार तो देखो यार, जो छोटे मोटे राज्य थे, जो है आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का भी कट ऑफ अच्छा खासा गया था, ठीक है, 90 प्लस ही उनका था। तो चलो इस बार जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम फिरते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप फटाफट अनअकैडमी पे फॉलो कर लो और आकर के जुड़ जाओ हमसे टेलीग्राम पे, वहां पे कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करो, आपके जो है डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए धन्यवाद।